हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एंशिएंट हर्बल रेमेडी में। फ्रेंड्स, आज हम आपको ये पदम का वृक्ष या पदम का पेड़ आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही बढ़िया, इसमें ये फ्लावर आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। हमने आपसे कहा था कि हम अपनी एक वीडियो इसके फ्लावरिंग प्लांट पर भी बनाएंगे, तो आज देखिए ये बहुत ही सुंदर आप देख रहे हैं। और ये प्लांट में फ्लावर आए हुए हैं और अब इस जो पेड़ है इसकी गिनती अब संरक्षित श्रेणी के वृक्षों में होने लगी है। इसका बॉटनिकल नेम है रुग्नस सीरासोइडिस और ये रोजेसी फैमिली में आता है। ये देखिए बहुत ही आकर्षक आप देख पा रहे हैं, इसमें नई नई पत्तियाँ भी निकली हुई हैं। देखिए यहाँ पर ये तीन चार पेड़ हैं पदम के, और ये लोग आप जानते ही हैं कि ये शीतकाल में ये फूलता है और ये मधुमक्खी पालन के लिए भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि शीतकाल में मधुमक्खियों का मुख्य आश्रय होता है और ये उससे पराग लेती हैं। ये कारण है कि पदम के वृक्ष से बने शहद को सर्वाधिक गुणकारी माना जाता है। और इसका जो संस्कृत नाम है वो है पद्म, इंग्लिश में इसको वाइल्ड हिमालयन चेरी कहते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से ये फूल रहा है। इसमें ये होता है कि पूरा फ्लावर ही जो पूरा प्लांट है पूरा फ्लावर से भर जाता है। देखिए बहुत सुंदर आपको दिखाई दे रहा है देखें। और अगर हम बात करें इसके आवाज़ की, तो ये कश्मीर में भूटान तक और हमारे देश में हिमालयन रेंज, जो हिमालयन रेंज है उसमें और असम में मणिपुर में ये 9000 से 2300 मीटर की ऊंचाई पर टेम्परेट और जो मोस्ट एरियाज हैं नम एरिया उनमें पाया जाता है। देखिए और नई नई पत्तियाँ इसमें आई हुई, देखिए नई पत्तियाँ आप देख रहे हैं, ये तो आपको दिखाई दे रही है। और कहते हैं कि इसकी पत्तियाँ पत्ते तने और तने की साख ये सभी बहुत उपयोगी होती है। और अगर हम रोग उपचार की बात करें तो इसके बीजों से पथरी की दवा, और अगर किसी को यूरिनरी ब्लैडर में अगर प्रॉब्लम है तो उसकी दवा बनाई जाती है। और विशेष बात अगर हम इसके आपको बताएं, इसकी पत्तियों में तने में और जो इसकी बाहर की छाल है उसमें साइनोजेनेटिक सब्सटेंस पाया जाता है, इसी कारण इसका पुराने समय से ही इस्तेमाल बोन फ्रैक्चर और प्लास्टरिंग में किया जाता है। ये इंसानों की भी और मवेशियों की भी अगर कहीं पर कोई बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो उसमें प्लास्टरिंग करके इसको जोड़ने के काम आता है। इसके अलावा ये एंटीपायरेटिक रेफ्रिजरेंट और यहाँ तक कि इससे कोल्ड और ल्यूकोडर्मा की दवा भी बनाई जाती है। अब देखिए आपसे बहुत ही सुंदर और इतना हुआ है, देखिए वाइल्ड चेरी का आप ये प्लांट देख पा रहे हैं। ये देखिए अभी ठंड का मौसम शुरू हो गया है और इसी मौसम में ये फूल रहा है। और इधर कुछ रेतीली मिट्टी भी है जिस कारण थोड़ी चलने में दिक्कत हो रही है। अब देखिए नीचे भी आपको फ्लावर प्लांट दिखाई दे रहा है, वो भी ये पूरा चला हुआ है, बहुत अच्छे फ्लावर इसमें लग रहे हैं। और इसको नेपाल में पैन्यू या पया के नाम से जाना जाता है और हमारे कुमाऊं में इसको पया या पया कहते हैं। और हम ये आपको बता चुके हैं हिंदी में इसको पदम और संस्कृत में पद्मक बोलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।